नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले दो वीडियो में हमने थिन सिलेंड्रिकल सेल में इंटरनल प्रेशर के कारण उत्पन्न स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस व सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्ट्रेस के कारण सिलेंडर के डाइमेंशंस में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चेंज इन द डायमेंशन ऑफ ए थिन सिलेंड्रिकल सेल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी सिलेंड्रिकल सेल पर दो परपेंडिकुलर स्ट्रेस लगती है, सिग्मा एल लेंथ की दिशा में और सिग्मा सी यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस है जो कि सर्कमफेरेंस के डायरेक्शन में लगती है। अतः लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल तथा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब जैसा अभी हमें पता है कि दो स्ट्रेस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगती है तो उनके कारण बॉडी में जो स्ट्रेन होता है वो हुक्स के लॉ से और पॉइजन थ्योरी से लिया जाता है। सपोज जो सिलेंडर है उसका पहले डायामीटर डेल्टा डी है और बाद में जो चेंज इन डायामीटर है वो डेल्टा डी हो जाता है। पॉइजन रेशियो हम लेते हैं 1/m। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस डेल्टा डी अपॉन डी जो होगा उसे हम E1 से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा सी अपॉन ई। यहाँ पर ये सिग्मा सी के कारण जो स्ट्रेस होगी इसी डायरेक्शन में वो सिग्मा सी अपॉन ई होगी और इस सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में सिग्मा एल के कारण जो है स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एल जैसा इस यहाँ दिखाया गया सिग्मा एल अपॉन एम इंटू ये ई होगी। ये जो स्ट्रेस होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी। अतः इसमें जब हम सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू करते पुटअप करते हैं तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का ये फार्मूला होता है पी डी अपॉन टू ई अपॉन टी जो कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस है और पी एन माइनस पी डी अपॉन फोर एम ई ई इंटू टी ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेन है। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर दें तो इक्वेशन 1 हमें मिलती है। इक्वेशन वर्क में जो ये फाई दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली ब्रैकेट है। इसी तरह इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सिग्मा एल डेल एल अपॉन एल होगी। इसको हम ई टू से लिखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेस होगी वो होगी सिग्मा एल अपॉन ई और सिग्मा सी के कारण लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ होगी वो सिग्मा सी अपॉन एम इंटू ई होगी। अतः जो फार्मूला जो हमें मिलता है वो ये फार्मूला हमें मिलता है यहाँ पर जो है पी डी अपॉन फोर ई इंटू टी जो है ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ है जबकि ये पी डी अपॉन टू एम ई टी ये जो है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के कारण लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन 2 मिलती है। यहाँ इक्वेशन 2 में जो फाई दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली ब्रैकेट है यानी कि जो अपना जो होगा वो ये ऐसे होके फिर ये ऐसे ब्रैकेट में आएगा। नेक्स्ट, अब हम मानते हैं माना कि जो सिलेंडरिकल सेल है उसका इनिशियल वॉल्यूम वी है और डायामीटर डी और एल लेंथ हो तो जो इसका वॉल्यूम है वो ये आ जाएगा वी इजिकल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। अगर इसके वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी हो तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो वी प्लस डेल्टा वी होगा और ये होगा पाई बाई फोर डी प्लस डेल्टा डी का होल स्क्वायर जहाँ डेल्टा डी चेंज इन डायामीटर है माइनस अब इंटू एल प्लस डेल्टा एल जहाँ पर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है। अतः फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम घटाएं तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिलता है और इसमें V प्लस डेल्टा V की वैल्यू और V की वैल्यू रखने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। इसी इक्वेशन को हम
फाइनली सॉल्व करें और डेल्टा डी स्क्वायर को अगर हम नेग्लिजिबल लें तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलती है वो ये इक्वेशन मिलती है। अब इस डेल्टा वी में अगर वी को हम डिवाइड करें तो चेंज इन वॉल्यूम का जो फार्मूला हमें मिलता है डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा वी जो हमें फार्मूला मिलता है डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टू इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है अगर हमें चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ पता है तो हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ए सिलेंड्रिकल सेल इज 150 mm मीन डायमीटर 750 mm लॉन्ग विद द वॉल थिकनेस 2 mm थिकनेस। इट हैज़ लेटरल इंटरनल प्रेशर ऑफ 0.8 मेगा पास्कल ग्रेटर देन द आउटसाइड। कैलकुलेट द फॉलोइंग टेकिंग ई इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल एंड 1/m इज इक्वल टू 0.2। यानी कि हमें एक सिलेंडर दे रखा है जिसका मीन डायमीटर 150 mm है यानी कि 0.15 मीटर है। इसकी जो लेंथ है वो 750 mm मीन्स 0.75 मीटर है। इसकी जो थिकनेस है 2 mm मीन्स 0.002 मीटर है। प्रेशर है वो 0.8 मेगा पास्कल है। हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं जो कि फॉर्मूले से आएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। इसमें डी और एल की वैल्यू पुटअप करने पर ये हमें जो है इसका एमएम क्यूब में इसका वॉल्यूम मिल जाता है। अब हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला हमें पता है सिग्मा एल इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन 40 होता है। इसमें पी डी और टी की वैल्यू रखने पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आती है वो हमें मिलती है 15 मेगा पास्कल। नेक्स्ट हम इसकी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो पी डी अपॉन 40 होता है। इसमें पी डी और टी की वैल्यू रखने पर फाइनली हमें जो प्रेशर मिलता है वो 30 मेगा पास्कल होता है। या तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं या हमें पता है कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डबल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर 50 मेगा पास्कल है तो सर्कमफेरेंशियल स्क्वायर 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 मेगा पास्कल होगी। अब हमें इसकी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का ये फार्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखने पर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। या 1/m जो है पॉइजन रेशियो है जो कि 0.25 दे रखा है। प्रेशर इंटरनल डायमीटर टी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी गिवन है। सारी वैल्यू पुटअप करने पर हमें जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है यानी डेल्टा डी अपॉन डी उसकी वैल्यू हमें ये प्राप्त होती है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेल्टा एल अपॉन एल का ये फार्मूला जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू रखते हैं तो फाइनली हमें ये जो है फाइनली हमें ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलती है। ये हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलती है। अब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसा हमने पिछले स्लाइड में देता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल होती है। इसमें डेल्टा डी अपॉन डी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इन दोनों की वैल्यू रख देंगे और वी जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है इसकी वैल्यू भी रखेंगे तो फाइनली हमें चेंज इन वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला प्राप्त होता है। इस तरह से हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।